दोस्तों, अनार फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक जैसे अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये फल ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का भी अच्छा सोर्स होता है। अनार का फल ही नहीं अपितु इसका हर अंश शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अनार के पेड़ की जड़ें, पत्तियां, छिलका, बीज आदि सभी औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती रही हैं। ये पाचन शक्ति को बेहतर करता है, वीर्य गठन को बढ़ाता है, स्मृति को सक्रिय करता है, हवा, पित्त, कफ की वजह से शरीर में हुए असंतुलन को ठीक करता है, हीमोग्लोबिन के गठन को बेहतर बनाता है और बहुत ही अच्छा रक्त शोधक है। आइए हम इसके चमत्कारी गुणों के बारे में आज विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला गुण है, ये त्वचा में चमक लाता है। अनार के पोषक तत्व आपको सुंदर, जवां और बेदाग त्वचा देते हैं। ये विटामिन सी एवं एंटीऑक्सीडेंट का प्रचुर स्रोत होते हैं, जो बढ़ती उम्र की त्वचा को पोषित कर झुर्रियों को त्वचा की सुंदरता को कम करने से रोकता है, यानी ये झुर्रियों पर विराम लगा देता है। इससे आपकी त्वचा चमकदार बनी रहती है। इसमें और भी अन्य पोषक तत्व हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं। प्रतिदिन आप एक अनार अपने आहार में आज से ही शामिल कर लीजिए। दोस्तों, अगला गुण देखते हैं। ये आपके शरीर को हमेशा तरोताजा रखेगा। अनार में एंटी प्लाक गुण पाए जाते हैं जो पूरे स्वास्थ्य में सुधार रखते हैं। मसलन ये आपके दांत, क्षय, पायरिया, मसूड़े की सूजन और आपके कृत्रिम दांतों में भी समस्याओं को कम कर देते हैं, यानी कि ये मुंह के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगला है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। अनार आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत सेहतमंद होता है। ये रक्त धमनियों को पोषित कर रक्त प्रवाह में सुधार लाता है। इटली में नेपल्स विश्वविद्यालय में किए गए एक 2005 के अध्ययन के अनुसार अनार का रस धमनियों के सख्त होने के उपचार एवं उनसे बचाव में मदद करता है। अगला है, रक्तचाप को बनाए रखने में सहायक है। अनार उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत फलदायक है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी एवं नाइट्रिक ऑक्साइड का अच्छा सोर्स होता है। इसके पौष्टिक गुण रक्त प्रवाह को नियमित करने एवं रक्त धमनियों को पोषित करने के लिए जाने जाते हैं। ये दिल के दौरों के होने की संभावना को बहुत हद तक कम कर देते हैं। अगला है, जोड़ों के दर्द के लिए। अनार जोड़ों एवं उनसे संबंधित समस्याओं का एक सफल उपचार है। ऑर्थराइटिस और रूमेटाइड ऑर्थराइटिस जैसे जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए अनार के बीजों का सेवन दैनिक रूप से करें। ये एंटीऑक्सीडेंट एवं सूजन को कम करेंगे और साथ ही आपके जो जोड़ों में अकड़न और सूजन आ रही है उसको कम करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, रोजाना एक गिलास अनार का जूस पिएं। लेकिन यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो एक बार अपने वैद्य या डॉक्टर से जरूर परामर्श कर लें। आप अनार के जूस एवं किसी भी तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर उसे मालिश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है अनार। अनार का सेवन करने से स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे दिमाग के संबंधित विकारों को हराने की क्षमता भी रखता है। 2013 में एक शोध हुआ, उसमें पाया गया कि अनार दिमाग की क्रियाओं में सुधार लाता है और उम्र संबंधित दिमाग की समस्याओं को भी ठीक करता है। अगला है, एनीमिया के लक्षणों से लड़ने के लिए। अनार एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। ये शरीर में लोह की कमी को पूरा कर रेड ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाता है। ये रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में बढ़ोतरी कर उसके प्रवाह में सुधार लाता है। इसके अलावा ये विटामिन सी से भी भरपूर होता है, जो लोह के अवशोषण में सहायता करता है। एनीमिया को मात देने के लिए क्या करेंगे, रोजाना अपने सुबह के नाश्ते के साथ एक कप अनार का जूस पिएं। दूसरा विकल्प ये है कि आप अनार के बीजों को पीस कर चूर्ण बना लें और रोजाना सुबह आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी से मिलाकर ले लें। आप देखेंगे कि आपकी एनीमिया में कितना जल्दी सुधार आता है। अगला है, कैंसर से उपचार के लिए। दोस्तों, अनार का जूस और अनार के दाने कैंसर कोशिकाओं का नाश कर ट्यूमर के विकार पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अनार के फल का सेवन प्रोस्टेट, फेफड़े, स्तन एवं स्किन कैंसर में अत्यंत लाभदायक होता है। इस फील्ड में किए गए अनेक शोध बताते हैं कि अनार स्तन एवं स्किन कैंसर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अनार कैंसर से बचाव करने में अति सक्षम है। कैंसर से बचाव करने के लिए या फिर उसका उपचार करने के लिए आप सिर्फ अनार का सेवन शुरू कर दीजिए। अगला है, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं उनके लिए अनार बहुत फायदेमंद है। ये इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को कम करता है और मधुमेह से होने वाली समस्याओं से बचाता है। पोषण अनुसंधान में प्रकाशित एक अध्ययन में ये पाया गया कि अनार के रस में
अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगला और लास्ट, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देता है अनार। अनार में विटामिन सी और विटामिन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को बढ़ावा देता है। ये शरीर को चिंता एवं तनाव से मुक्त कराने में सहायक है जो गर्भ धारण करने में और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। गर्भ धारण की संभावना को बढ़ाने के लिए अनार के बीज और छाल यानी उसका जो तना होता है उसका चूर्ण बना लें और उन्हें बराबर मात्रा में मिला लें। इस मिश्रण को एक हवाबंद डिब्बे में रख दें। कुछ हफ्तों के लिए रोजाना दिन में 2 बार आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी में मिला कर लें। रोजाना दिन में 1 बार 1 गिलास अनार के रस का सेवन भी आप कर सकते हैं।